दोस्तों आप देख रहे हैं द नवजीवन। जैसा आप जानते हैं यूपी चुनाव यात्रा हमारी जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदराबाद विधानसभा में, जो जिला बुलंदशहर में आती है और ये गांव है ये है मोहम्मदपुर। यहां से अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो हैं विमला सोलंकी भाजपा से। तो यहां मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस बार जो इलेक्शन आने वाले हैं क्या दोबारा से यहाँ से भाजपा का नेता चुना जाएगा, क्या सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे या फिर रिप्लेसमेंट होगा, कोई और आएगा, और सबसे बड़ी बात जो काम है वो कैसे रहे पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार के, जो काम है योगी सरकार के, क्या जो कहा जा रहा है रोजगार मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है यूपी में और रोड पानी की समस्याएं वो दूर हुई हैं, क्या ये सब हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कंडीशन रही है यूपी की और आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। क्या लग रहा है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, क्या योगी सरकार ने काम किया है या काम होना बाकी है? योगी सरकार ने बस दो ही चीजों पर काम किया, एक तो लाइट सही आ रही है बस, या थोड़े बहुत रोड सही हुए हैं, इसके अलावा तीसरी चीज में कुछ दिखाई नहीं दे। अच्छा, रोड सही हुए, लाइट आ रही है, ये दोनों चीज हुए हैं और उसके अलावा पानी? उसके अलावा पानी वानी कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्या है? समस्या रोजगार नहीं है, काम नहीं है हमारे पास। अच्छा, और काम करते भी हैं कंपनियों में, जो हमें सैलरी पहले मिलती थी 15,000 रुपए उसको भी घटा के 12,000, 11,000, 10,000 रुपए देते हैं कंपनी वाले अब। अच्छा, हाँ, सैलरी और कम कर दी? और कम कर दिया सैलरी। यहाँ रोजगार की समस्या यहाँ आ रही है। तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में, बेहद जल्दी करीब है, किसकी सरकार आ सकती है? अखिलेश यादव की आएगी आपकी सरकार। अखिलेश यादव की? क्यों? और भी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। नहीं नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के दौर में हमने जो हमने काम किया है तो सैलरी भी टाइम से मिलती थी, ठेकेदार भी लोकल के बंदे रखते थे और मतलब सही काम हुआ था उसमें। चलिए, और लोग भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ खान। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव? चुनाव में क्या होगा, पेट्रोल भी महंगाई है, डीजल पे भी महंगाई है, सब चीजों पे महंगाई है, पूंजी कैसे वही जाएगी, कुछ नहीं समस्या हल है। और इधर खरंजे में पानी भर रहा है, ढोर नहीं निकल। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं कसले का काम करता हूँ जी। अच्छा, किसान फैमिली से आते हैं जी? तो किसान का क्या हाल है यहाँ पर? जो क्या एकदम मट्टी खराब है यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत स्थिति खराब है किसान की यहाँ पे, कोई किसान भूखे रह रहे हैं, कैसे करेंगे किसान, बैठ जोर भी भूखे रह रहे हैं किसानों के। अच्छा जी, तो योगी सरकार के राज्य में कुछ काम नहीं हुआ? योगी सरकार बेकार है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है रोड बने हैं और जो समस्याएं थी, रोडों से क्या समस्या है, मजदूर को काम हो, तेल भी सब पेट्रोल पे पैसे कम हो, डीजल पे कम हो, खरंजे सही हो में। अच्छा, खाने के उसमें भी सरसों का तेल भी महंगा है। और से बताएंगे, आप कुछ बोल रहे थे तेल के ऊपर, बताइए क्या क्या हुआ? पीछे से बोल रहा है, सामने से नहीं बोल रहा है। आपसे जानेंगे, क्या लग रहा है 5 साल में कैसी रही योगी सरकार, 5 साल होने वाले हैं? भाई, योगी सरकार का एक ही, योगी और मोदी का, दोनों का एक ही जो लड़ा है सबसे ज्यादा, महंगाई तेल पे हो गई, महंगाई पेट्रोल पे, डीजल पर, और जो खाने का तेल है सरसों का तेल जो 70 रुपए किलो मिलता था वो आज 180-190 रुपए किलो बिक रहा मार्केट के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो महंगाई पे पड़ा जी। और किसानों की आय नहीं बढ़ी है? किसानों की आय भी है, मजदूरी जीरो है, जो थोड़ी बहुत प्राइवेट जॉब करते हैं उनको भी वो भी ठप हो गए। इस टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत में है आम आदमी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में इस टाइम। क्या लग रहा है फिर आने वाले चुनाव में क्या होगा? भाई, सीधी सीधी बात है, सरकार जाएगी। तो आएगा कौन भाई? ओबीसी भी आ सकता है, ओबीसी जी नया चेहरा है ओबीसी। अच्छा, लेकिन लड़ तो 100 सीटों पे रहे हैं, 100 सीटों में कैसे, अगर सारी भी जीत गए तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे? तो फिर बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी है, मतलब मिली जुली है, बस बीजेपी नहीं चाहिए, कोई भी चलेगी, बीजेपी नहीं चलेगी, बीजेपी से खुश नहीं है लोग। और लोगों से भी जानेंगे, काफी सारे लोग खड़े हैं, आप बताइए सर, पीछे आप बताइए, पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों से जानेंगे, पीछे बात हो रही थी, आप बताइए यूपी में चुनाव होने वाले हैं कैसा रहा और योगी सरकार का कार्यकाल 5 साल पूरे होने जा रहे हैं? हमें भैया कुछ पता ही ना इस मामले में। आप यहाँ नहीं रहते? रह में है, मगर हम अनजान है। अच्छा, अनजान है, या डर रहे हैं बोलते हुए? डरेंगे क्यों, नहीं लग रहा है कि ना बोलें क्या? अच्छा, युवा है आप, अब आप बताइए कैसा रहा 5 साल योगी सरकार का? वैकेंसी वगैरह खत्म है, तो हमारा तो मामला ही खत्म है, रोजगार ही नहीं है, मामला ही खत्म है बिल्कुल। अच्छा, हमें तो अपने से मतलब है। हाँ, अभी पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई भी बंद है साड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान सैफी है। पढ़ाई बंद है, वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है जैसे रोड या बिजली पानी ये सब क्या सर? पानी वगैरह की तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रही बात बिजली वगैरह रोड वगैरह, तो रोड का क्या क्या है,
मतलब डीजल और पेट्रोल की लड़ाई में सरसों का तेल मार खा गया, बाजी मार गया, आदमी भूखा मर रहा है, गरीब आदमी, तो सीधी सी बात है बीजेपी बेकार है। बीजेपी बेकार है तो अच्छे कौन है, कौन सी पार्टी ला? अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश पार्टी, अखिलेश यादव सर। अच्छा तो क्या पिछली बार क्या रीजन रहा था जो आप लोगों ने नहीं? रीजन क्या, हमने तो जब भी उन्हें चुना था, बट यह है कि वो क्या कहते हैं, जो आजकल इलेक्ट्रिशियन का जमाना है तो वोट वगैरह गुम हो रही है, सत्ता लड़ रही है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा तो यही है कि जो जैसा देश में चल रहा है। बढ़ते ही महंगाई से परेशान है आप बहुत ज्यादा, और गुंडागर्दी खत्म हुई है, वगैरह गुंडागर्दी खत्म हो गई। किसी की गुंडागर्दी खत्म नहीं है, आदमी अपने पेट का पूरा करने के लिए दूसरों को काटता ही है, जब भी जाके पूर्ति कर पा रहा है आज की डेट में। अच्छा वैसे नहीं है, और लोग भी आए आपसे जानेंगे, कैसा रहा है 5 साल का योगी सरकार का काम, चुनाव आने वाला? काम तो सही है भाई साहब, काम सही करा उन्होंने, एक समस्या नाली में पानी ना रहा बिल्कुल भी। अच्छा हाँ, समस्या क्या है? समस्या ये है हाँ, और वैसे और काम रोड बिजली सब सही है, सब सही है हाँ। गुंडागर्दी खत्म हुई? हाँ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म ही है, बस पानी ना रहा किसानों के लिए। हाँ किसानों के लिए, और किसानों का मुद्दा बहुत बना हुआ है, लोग आजकल बैठे हुए धरने पे, हाल ही ना हो रहा मसला, बताओ वो बेचारे बैठे जो बिल लाए वो सही लाए या? अब तो मैं बता सकती इस बात को, सरकार किसकी बनवाएंगे इस बार, योगी सरकार या कोई और? योगी सरकार की बनवाएंगे, योगी सरकार काम सही करे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। अच्छा योगी सरकार की बनवाएंगे, खुश है योगी सरकार? हाँ ठीक है, योगी सरकार से कोई खुश है कोई परेशान है? और लोग मौजूद है, आप बताइए। वो तो बोल ही नहीं रहा है, परेशानी हो रही है बोलते हुए। दुकान वाले आ जाएंगे ना, आप बताएंगे तो उसे बुला लेंगे। आप बताइए, युवा है कैसा, कितना रोजगार दिया योगी सरकार ने युवाओं? तेरा अल्लाह का शुक्र है, योगी जी का बहुत धन्यवाद, 24 घंटे लाइट है, बस एक समस्या है देखो रोड पर गंदगी, ये गंदगी साफ नहीं होती इसकी सरकार में। 24 घंटे लाइट आ रही है? पिछले 2 दिन से तो मैं रुका, मैंने तो देखी नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो 24 घंटे आ रही है, देखो अभी आ रही है, मगर ये कि इसकी सरकार में सफाई नहीं है, देखो क्या गंदगी है, देखो क्या हाल है, झुग्गियों में से रह रहे, बस और कुछ नहीं है हमारी सबसे। गुंडागर्दी खत्म हुई? गुंडागर्दी तो बहुत है इसकी सरकार में। अच्छा। बहन बेटियों की इज्जत ऐसे लूट रही है जैसे गधा गधेया लूट रहा हो। लेकिन वो तो कह रहा है गुंडागर्दी खत्म करिए। नहीं गुंडागर्दी कोई नहीं, गुंडागर्दी बहुत है। अगली बार योगी सरकार या बदलोगे? नहीं बदलेंगे, हम तो मायावती के साथ हैं। मायावती के बहन जी, बहन जी कुमारी, बहन जी अखिलेश और कांग्रेस, अखिलेश सब साले गुंडे, सब गुंडे, सब गुंडे। और लोगों से जानेंगे, आप बताओ किसकी सरकार देखो? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ चल पूछेंगे, कहाँ जा रहे हैं अभी बड़ी जल्दी में? नहीं जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, 5 साल होने जा रहे हैं योगी सरकार को, कैसा काम काज रहा उनका? काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, योगी से सब खुश है? अगली बार योगी सरकार या बदलोगे? ये तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा, आप भी तो जनता हो, आप अलग हो जनता से, बता देगी जनता, डर रहे हैं बताते हुए, खुल के नहीं बोल रहा है। चलिए ठीक है, और क्या नाम है आपका? राधेश्याम। अच्छा क्या रहा है 5 साल में पिछले जो योगी सरकार के होने वाले हैं, कैसा काम काज रहा उनका? बहुत अच्छा काम काज रहा। क्या क्या अच्छे काम हुए? गुंडा राज खत्म करा। अच्छा। गरीबों के आवास बनवाए। हाँ। मोदी जी और योगी जी ने शौचालय बनवाए, पक्की सड़कें बनवाई, काफी काम करे हैं। अच्छा। पुलिस प्रशासन का भी सुधार बहुत काफी करा है, बहुत बढ़िया काम करे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जनता के नियम फ्री राशन मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन उस पर महंगाई तो हर गवर्नमेंट में बढ़ती है, कांग्रेस राज में भी पेट्रोल और डीजल 100 के आर पार था बिल्कुल, अखिलेश राज में गुंडा राज ज्यादा था, माँ बेटियों पर अत्याचार होता था, अब तुम देखो जितने भी ये माफिया हैं सबकी जमीन दोज करा के सबको अंडरग्राउंड करा दिया, रिकवरी कर दी, तो इस सरकार से बढ़िया सरकार हमें कहाँ मिलेगी? अब जनसंख्या कानून नियंत्रण लिया है, इससे बढ़िया और क्या होगा? जनसंख्या कानून नियंत्रण पर बड़ी बात कर रहा है लेकिन वो बात अलग है कि इस पर खुद बीजेपी में फूट डली हुई है, बीजेपी खुद इसको, बीजेपी खुद ही आपस में इसमें एक मत नहीं हो रही। वो तो ठीक है, वो सब वो तो उनका मैटर है, वो अपने उनके तो ये तो सब तरह के नेता लोग होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, लेकिन जनता को चाहिए लाभ, जनता को इतना लाभ मिला जो हमें लाइट मिलती थी पहले 10 घंटे 8 घंटे, अब हमें 22-23 घंटे लाइट मिल रही है भरपूर। ठीक है, मतलब काम हुआ है, और क्या क्या चाहिए हुआ है? 30 घंटा तो लाइट मिल ही रही है यार टाइम, पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ रहा है, अरे पेट्रोल साला और 100 बिक जाओ जोक्सु, हाँ हम तो हैं ये ऐसे जब भी रहे ऐसे आज, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, हमें कोई दिक्कत ना। क्या काम अच्छे हुए हैं सब? क्या लग रहा है इस बार? सब बढ़िया हो रहे हैं, वापसी कर रहे हैं योगी जी? अच्छा उसमें ग्राम प्रधानों ने घोटाले करे, जांच भी हुई, सस्पेंड हुए, अभी भी पूरा बजट दे रहे हैं इस सरकार में, इतना लाभ मिला, धी बेटियों की शादी होती है सम्मेलन में 51,000 रुपए मिलते हैं, पहले मिलते हैं 30,000 रुपए, अब किसी का अकस्मात मृत्यु हो जा उसके नाम पर जमीन है 5 लाख रुपए का बीमा, 30 लाख रुपए 30,000 रुपए वैसे मिलते हैं अनुदान की तरफ से, तो गवर्नमेंट तो बहुत लाभ दे रही है।
फ्री सिलेंडर दे दिए, जो हमारी माता बहनें चूल्हे पे फूंक मारती थी वो गैस चूल्हे पे रोटी तो बनाती हैं। महंगाई को मत देखो, महंगाई तो और कितनी भी हो जाओ, हर चीज़ बढ़िया मिल रही है, सुविधा बढ़िया हो रही है, और सुविधा सबके लिए किसान निधि आती है 2000 रुपये खाते में आते हैं, चाहे किसी भी एक विश्वासी है या आधा विश्वासी है, पैसे बराबर सबको, उसमें जाति बात किसी का कोई मैटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ अच्छा वापसी कर रही है बीजेपी, वापसी कर रही है यूपी में, वापसी करेगी 2022 में, फिर वापसी होगी, फिर वापसी होगी जी, रोल मचा के रह जाएगा विपक्ष, रोल मचा के रह जाएगा। क्या कह रही है अम्मा जी? भैया हमारे लिहाज बढ़िया बढ़िया है, पेंशन आती है? हाँ बिल्कुल पेंशन आती है। जी पेंशन की तो हमारे राज्य ले ना ले, नहीं ना पेंशन की लेती नहीं हूँ। हाँ वैसे अगर मतलब पूछा जाए इस मुद्दे पे तो लोगों को पेंशन मिलती है, बहुत से तो लेते हैं, मिलती है करीब 35% तो मैंने बनवाई है। और वो तुम्हारे की विकलांग पेंशन भी है, और वो तुम्हारे की क्या बोलते हैं कोड जो हो जाता है तुम्हारे कोठरा पे, ये क्या नाम है उसका मंसूर, उसे मिलती है पेंशन तो बंदी हुई है गवर्नमेंट की, उससे लाभ मिल रहा है। जो अखिलेश राज में जितना गुंडागर्दी हुई, सबसे ज्यादा अखिलेश राज में गुंडागर्दी हुई, मायावती के राज में इतना था कि प्रशासन सख्त था, कार्रवाई होती, लेकिन कार्रवाई अब भी जैसे मायावती राज में था ऐसा था, अखिलेश राज तो हम चाहते ही ना, बिल्कुल ना चाहते। मायावती राज में भी प्रशासन सही था, इस राज्य में भी, अखिलेश राज में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जो सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, किसी को कोई सरकार अच्छी लगती है तो किसी को दूसरी अच्छी लगती है, यही लोकतंत्र की पहचान होती है। यहाँ थोड़े कीड़े ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बात करने में, क्योंकि बरसात हुई है, बारिश सुबह से हुई है गाँव का है, तो इसलिए रात में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, हमें भी करने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए शॉर्ट में ही हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, और लगातार हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और आपको बताते रहेंगे यूपी में क्या होने वाला है, किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी, और 2022 में क्या योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहा है या फिर किसी और की सरकार आने वाली है। लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।